आज हम बनाने वाले हैं तोरई के फूल और आलू की सब्जी। ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलते हैं, इसकी तैयारी करते हैं और बना के आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनाई जाती है, और बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे बनाने का। और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। हेलो गाइस, सम्राट चक बाईटी बेबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तोरई के फूल की सब्जी, और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो तोरई के फूल में मैं डालूँगी आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। इन सारी चीज़ों को मैंने साफ पानी से धुल के चौक कर लिया है, और तोरई के फूल थे जो इनको मैंने साफ कर लिया है, जो इनकी डंठल थी वो मैंने निकाल दी है। और 3 से 4 बार इनको साफ पानी से मैंने धो लिया है। और इधर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का ऑयल, और गैस को कर ले रही है ऑन। तो ऑयल हो गया है गरम, और अब मैं डाल दे रही हूँ हींग और जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो लहसुन अच्छे से भुन गया है। और अब डाल दे रही हूँ मैं प्याज, ये भी अच्छे से भून दे रही हूँ। तो प्याज अच्छे से भुन गई है, अब डाल दे रही हूँ हरी मिर्च, टमाटर, अब मिला दे रही हूँ मैं मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छे से भून ले रही है। और अब डाल दे रही हूँ मैं तोरई के फूल, आलू, सारी चीज़ें बच्चे से मिला ले रही है। थोड़ा सा डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं हरी मिर्च पहले से ही डाल चुकी हूँ, गरम मसाला। हम डाल दे रही हूँ पानी, हम नमक डालूंगी मैं स्वाद अनुसार। नमक डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार, अब इसको ढक दे रही हूँ, और स्लो मीडियम गैस पर इनको पकाना है।
तो तोरई के फूल की सब्जी बन चुकी है और मैंने गैस को कर दिया है बंद और इसको निकाल ले रही हूँ मैं दूसरे बर्तन में। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। तो देखिए गाइस, तोरई के फूल की सब्जी बन चुकी है। अगर बताने या बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है, और आप भी बनाइए और खाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगती है खाने में।